अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमीज किड्स कार्टून्स। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकें। आज हम एक मज़ेदार कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है सोते जागते पहाड़। तो प्यारे दोस्तों, किन किन लोगों को पहाड़ पसंद है? मुझे तो बेहद पसंद है और पहाड़ी इलाकों में जाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे दोस्तों, चलें जल्दी से अपनी कहानी शुरू करते हैं। जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े सब सोते जागते हैं। आप भी सोते और जागते हो, लेकिन कभी सुना है कि पहाड़ भी सोते और जागते हैं? आतिशफिशा पहाड़ कभी सोते हैं कभी जागते हैं। ये वो पहाड़ हैं जो तपती हुई राख, भाप और पिघला हुआ गर्म पत्थर लावा उगलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यानी कि जागते हुए आतिशफिशा पहाड़ जो लावा, भाप और राख उगलते रहते हैं उन्हें जागते हुए आतिशफिशा पहाड़ कहते हैं। खामोश आतिशफिशा पहाड़ जो है वो जो बहुत अरसे तक लावा, भाप या राख नहीं उगलते उन्हें खामोश आतिशफिशा कहते हैं। सोते आतिशफिशा पहाड़ जो है जिनमें कई हजार साल से लावा, भाप या राख उगलने के आसार दिखाई ना दिए हों उन्हें सोते आतिशफिशा पहाड़ कहते हैं। और क्या प्यारे बच्चों, इसके बारे में एक दिलचस्प मालूमात मैं आपको बताऊं। दुनिया में जमीन के ऊपर तकरीबन 500 आतिशफिशा हैं जो लावा उगलते रहते हैं। समंदर के नीचे उनकी गिनती इससे भी ज्यादा है। जहां लावा बहता है वो जमीन बहुत जरखेज हो जाती है, इसीलिए आतिशफिशा के ढलवानों पर आबादी भी ज्यादा होती है। इन चट्टानों से जो लावा से बनती है, हीरे, एथेमिस्ट, सोना, चांदी, प्लैटिनियम पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं क्रॉकटोआ दुनिया का सबसे बड़ा धमाका 1882 में आतिशफिशा धमाके की बात हो रही है, एक आतिशफिशा के फटने से हुआ। यह आतिशफिशा इंडोनेशिया के जजीरे क्रॉकटोआ में था। इसके फटने से 2/3 जजीरा तबाह हो गया, लेकिन ज्यादा तबाही इस समंदरी मोज से वाकया हुई जो क्रॉकटोआ फटने की वजह से वजूद में आई। 35 मीटर 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची मोज में 36,000 लोग डूब गए। ऐसी समंदरी मोज को सुनामी कहते हैं। क्रॉकटोआ के फटने के असरात दुनिया में जगह जगह मुख्तलिफ तरह से देखे गए। श्रीलंका में हफ्तों सूरज का रंग हरा रहा। लंदन में बहुत दिन शाम के वक्त आसमान का रंग बदला रहा। जजीरा हवाए में कई हफ्ते तक सूरज के गिर्द सफेद हाला बना रहा। त्रिनिदाद में एक अरसे तक सूरज नीले रंग का नजर आता रहा। पहरे हिंद में एक साल तक टूटी हुई चट्टानों के टुकड़ों ने जहाज की आमदोरफ्त में मुश्किलात पैदा की। कलकत्ता में बड़ी बड़ी समंदरी मोजों ने जहाज और कश्तियां उलटकर तबाही मचा दी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।